हेलो दोस्तों, सारा फैशन बुटीक में आप सभी का स्वागत है। और आज हम फिर से आपके सामने एक वीडियो लेकर के आए हैं। स्लीव का डिज़ाइन है, बहुत ही प्यारा है, जिसको हमने एक पाइपिंग की पट्टियों के साथ हमने रेडी किया है और बॉर्डर हमने यूज़ किया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो कि मैंने ऑलरेडी जो स्लीव है हमारी कट करके रखी हुई है, और ये सेंटर पीस जो है हमारा बीच से हमारा ओपन रहेगा। हम ये वाला डिज़ाइन आज बनाएंगे, जिसको हम पाइपिंग की पट्टियों से इसको बनाएंगे। और मैं आपको आज डबल जो साइडेड पाइपिंग है उसका बहुत ही आसान तरीका बताने वाली हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे जो हमारी स्लीव है, ये हमारी टोटल जो लंबाई है वो हमने अभी 17 ली हुई है, और हमें इसकी जो तैयार रखी है वो है 16 इंच। ठीक है, तो इसमें 1 इंच जो है हमारा जोड़ में आ जाएगा। अब देखिए, ये जो पट्टी ली हुई है मैंने 1.5 इंच चौड़ी ली हुई है, हमारा बाजू का ही फैब्रिक है ये। ठीक है, और एक और पट्टी ली है मैंने, वो मैंने 2 इंच चौड़ी ली हुई है, ये पिंक कलर की। ठीक है, तो इसमें जो आधा इंच एक्स्ट्रा मैंने लिया है उसको हम पाइपिंग में यूज़ करने वाले हैं। वो देखिए, आज मैं आपको यूनिक तरीका बताने वाली हूँ दोनों साइड पे पाइपिंग बनाने के लिए। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको बिल्कुल एज से इसको मिलाते हुए आपको किनारे से इसको सिलाई करनी है। यहाँ पर ज़्यादा दबाव नहीं लेना है, एक पैर का ही दबाव लेना है यहाँ पर, इस तरह से। ये देखिए, एक साइड कंप्लीट हो गई है, तो अब दूसरी साइड पे क्या करना है, ये देखिए, इस तरह से इसको इस तरफ से ऐसे सेट करना है, इस तरफ से खींचकर आपको इस तरह से आपको दूसरे किनारे पे इसको सेट कर लेना है, जो हमारा मेन फैब्रिक है। ठीक है, ये देखिए, सेम इसी तरह से आपको पूरा जो है फैब्रिक पट्टी जो है हमारी वो स्टिच कर लेनी है। ये देखिए, ठीक है, अब इसको दोस्तों, इस पट्टी को आपको सीधा कर लेना है। हमारी पट्टी रेडी हो चुकी है हमारे डिज़ाइन के लिए। तो ये देखिए, इस तरह से हम पेचकस की हेल्प से इसको सीधा कर लेंगे। ये देखिए ऐसे, अब इसको सेट कर लेना है अच्छे से। अब दोस्तों देख रहे हैं आप कि दोनों साइड पे जो हमारी पिंक वाली पाइपिंग है वो हमारी सेट हो गई है। जो हमारा आधा इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो दोनों साइड पे सेट हो गया है। दोस्तों मैंने इसको आयरन करके रेडी कर लिया है। अब चलिए इसकी कटिंग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं 2-2 इंच के पीसेस ले रही हूँ। आप अगर इसकी लंबाई ज़्यादा रखना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैंने सारे टुकड़े जो हैं 2-2 इंच के कट कर लिए हैं, ये देखिए ऐसे। ठीक है, तो अब हम इनको जोड़ते हैं अपने बाजू में। तो ये देखिए, बाजू की जो हमने किनारी है उस इस तरह से कट किया है इसको आधा इंच। अब इसको अंदर की तरफ को फोल्ड कर लेना है आपको इस तरह से। ऑल ओवर आप चाहें तो इस पर आयरन कर सकते हैं, जिससे आपको आसानी होगी, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि ये किनारी है आसानी से मुड़ जाती है इस तरह से। ठीक है, अब देखिए, इसमें एक एक पीस आपको इसी तरह से लेना है, और बिल्कुल इसमें ज़रा सा ही दबाव लेना है। और यहाँ पर दोस्तों 1 इंच आपको छोड़ देना है ऊपर की तरफ जोड़ के लिए। ठीक है, इस तरह से। और ये देखिए, इसी तरह से आपको जो दूसरा पीस है वो भी ऐड करना है यहाँ पर। यहाँ पे आप चाहें तो गैप रख सकते हो, पर मैं यहाँ पे गैप नहीं रख रही हूँ। ठीक है, दोनों पट्टियों जो हमारी पट्टियाँ हैं सभी के बीच में आप बिल्कुल एज से एज मिलाकर इसको स्टिच कर रहे हैं। ये देखिए, कंप्लीट होगी हमारी एक साइड दोस्तों। अब सेम इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी रेडी करनी है। तो दूसरी साइड के लिए दोस्तों इसको इस तरह से घुमा लेना है, क्योंकि हम इसको मोहरी की साइड से स्टिच करने वाले हैं। अब देखिए, दूसरी वाली जो साइड है दोस्तों, उसको भी आपको ये जो किनारी है आधा इंच मोड़ लेनी है इस तरह से। ठीक है, अब इसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस आपको इसको सेट करना है। यहाँ पर देखिए, मैंने करीब 1.5 इंच के आसपास इसमें एक्स्ट्रा छोड़ा हुआ है। नीचे की तरफ हम थोड़ा सा ओपन रखने वाले हैं बाजू को। अब इसी तरह से इन पट्टियों को एक के बाद एक आपको स्टिच करते रहना है। बस ध्यान रखना है जो इनका गैप है वो बराबर रहे। ये देखिए, इस तरह से हमारी जो है बाजू कंप्लीट हो गई है। अब हमें क्या करना है, ये देखिए, सीधी साइड हमें रखनी है, और ये जो हम बॉर्डर बनाने वाले हैं, ये देखिए, मैंने 2 इंच चौड़ी पट्टी ली हुई है। आप अगर ज़्यादा चौड़ा बॉर्डर रखना चाहते हैं तो आप ज़्यादा रख सकते हैं। मैं यहाँ पर 2 इंच ले रही हूँ। ठीक है, आप देखिए, इसको इस तरह से सीधी साइड पे सेट करेंगे, लेकिन इसको स्टिच उल्टी तरफ से करेंगे। वो क्यों करेंगे, क्योंकि ये जो साइड है, हमें यहाँ का जो गैप है वो हमें पता लग जाएगा कि
कि ऐसा तो नहीं है कि कम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको स्टिच उल्टे तरफ से करेंगे। अब यहाँ पे एक पैर का दबाव लेते हुए आपको पूरा जो है बॉर्डर हमारा सिंगल साइड पे पहले अटैच कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों जो गैप है जितना हमारी पट्टियों के बीच में है उतना ही रखना है, ज़्यादा या कम नहीं करना है। ये देखिए ये भी हमारा जो है स्टिच हो गया है। अब इसको हमें फोल्ड करना है जैसे हम बॉर्डर बनाते हैं किसी भी चीज़ का। देखिए इस तरह से सीधी साइड पे टर्न कर लें इसको। अब इस पर ये नेल से आप सेट कर सकते हो या आयरन कर सकते हो। ये देखिए अब देखिए इस पर वन फोल्ड एंड टू फोल्ड, ये हमारा बॉर्डर बन गया है। अब आपको इसको स्टिच कर लेना है। ये देखिए ठीक है दोस्तों, हमारी बाजू आज की रेडी है। आज का डिज़ाइन आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखिए इसका प्यारा सा लुक आ रहा है, एकदम क्लैरिटी के साथ बन गया है। और ये देखिए दोस्तों सिलाई के बाद ये कुछ इस तरह से लुक हमारी बाजू का आने वाला है। और दोस्तों अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।